लोक शासन के निर्देश पर, जिलाधिकारी महोदया के निर्देश पर कई बार अभियान चलाए जा चुके हैं। सड़क के किनारे जो भी माल वाहन गुजरते हैं ट्रक पे, तो उनको लगातार ये निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी पेट्रोल पंप पर, पेट्रोल पंप और ढाबे जो चलाते हैं, इनकी कई बार बैठकें हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में की हैं कि वो अपने ढाबे से बाहर या पेट्रोल पंप के बाहर गाड़ियाँ ना खड़ी करें। इसके लिए PD या NHI को बुलाकर जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी उनको भी निर्देशित किया गया कि यदि कोई गाड़ी रास्ते में रात में कभी भी खराब हो जाती है तो उसको क्रेन से द्वारा खिंचवा करके उसको उस गंतव्य स्थान तक खड़ी करें, जिससे रात में खराब गाड़ी में भी कोई गाड़ी आकर टक्कर मार के एक्सीडेंट ना हो। तो इनको कई बार निर्देश दिए जा चुके हैं कि PD या NHI को, कि कोई भी गाड़ी अगर खराब होती है तो उसको वहाँ से इमीडिएट इमरजेंसी में उसको खिंचवाया जाए। इसके लिए पहले से भी निर्देश है इनके लिए, और इनके पास क्रेन्स वगैरह भी अवेलेबल होती हैं, तो ये काम ये लोग करते रहते हैं। सर, मुख्यमंत्री की जो नेशनल हाईवे है ये PD NHI के अंतर्गत आता है, तो यदि कोई गाड़ी, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है और शासन के निर्देश भी हैं कि यदि कोई गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी है तो ये इनकी जिम्मेदारी है, अगर खराब खड़ी है तो इसको अपने संसाधनों से खींच करके उसको बाहर कराएं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है रात में या खराब गाड़ियों पे भी आकर के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो इसके लिए रात में अवैध पार्किंग की वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। वहीं पर डेरापुर थाना क्षेत्र में हाईवे किनारे खड़ी ट्रक में एक वैन घुस गई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत होने पर परिवार में कोहराम मच गया था, लेकिन लगातार अभियान चलाया जा रहा है, बावजूद उसके हाईवे किनारे गाड़ियाँ खड़ी होती रहती हैं, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। अवैध तरीके से पार्किंग है। यहाँ का RTO विभाग का कहना है, आपको दिखा दें, हम अकबरपुर पे खड़े हैं। अकबरपुर से चंद कदमों की दूरी पर ये यहाँ पर अकबरपुर कोतवाली थाना है, उसी के जस्ट सामने RTO विभाग है, और वहीं पर 10 कदम की दूरी पर थाने से महज हाईवे किनारे ही अवैध रूप से ये ट्रक खड़ा हुआ है। हो सकता है कि कोई वाहन इससे टकरा जाए, जिससे और भी घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन बावजूद उसके RTO विभाग का कहना है कि हाईवे किनारे जो गाड़ियां खड़ी होती हैं वो NHI का जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई खराब ट्रक खड़ा है तो उसको अपने वाहन से किनारे करवाए, या फिर जो अवैध रूप से पार्किंग लगी हुई है उसको कहीं ना कहीं चालान करें। लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि जो भी हाईवे किनारे ट्रक खड़े होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी, उनका चालान करके उनको सीज किया जाएगा। लेकिन कानपुर देहात में इसकी लापरवाही लगातार देखी जा रही है, इसी वजह से आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। आपको बता दें, कानपुर देहात में 2 नेशनल हाईवे निकलते हैं, एक कानपुर इटावा नेशनल हाईवे, एक कानपुर झांसी नेशनल हाईवे, जिनमें हाईवे के किनारे आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा कि तमाम सैकड़ों ऐसी गाड़ियाँ हैं जो हाईवे किनारे अवैध रूप से खड़ी हैं, जिन पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, जिस वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं, लोगों की जान जाती रहती है। लेकिन RTO विभाग का कहना है इसकी मेन जिम्मेदारी NHI के ऊपर है, और NHI से जब हमने बात करने की कोशिश करनी चाहिए तो उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। देखना होगा कि आखिर में मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद भी कि अधिकारी इस मामले को कब संज्ञान लेते हैं, कब एक्सीडेंट और ऐसी घटनाओं पर रोक लगवाती है। सूरज सिंह।